तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार फिर से हमारे ही चैनल ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज, ये जो वीडियोस है हमारे बीवोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। जो भी हमारे दिसंबर सेशन 2024 के स्टूडेंट हैं और जून 24 के जो भी स्टूडेंट हैं, जिनका जो है भाई एग्ज़ाम आया है, एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कब रिज़ल्ट आएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है गाइज, रिज़ल्ट की तैयारी हो रही है, कब डिक्लेयर होएगा, तो सारा कुछ जो है आपको इस वीडियोस में बताया जाएगा। ओके गाइस, और चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी दिसंबर सेशन 2024 के हैं भाई, कब एग्ज़ाम फॉर्म भराए जाएंगे, फेल कम पार्टी ओसी वाले स्टूडेंट, ठीक है, एडमिशन का क्या सीन है, इसके बारे में भी दिसंबर 24 का भी करंट का सारा कुछ बड़ा तेज़ी से चल रहा है। ठीक है गाइज, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके गाइज, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, जैसे कि आपको पता होगा, दिसंबर, पहले मैं दिसंबर का बात करूंगा, उसके बाद जून 24 का मैं बात कर लेना चाहूंगा, ठीक है। तो जो भी हमारे दिसंबर सत्र 2024 के स्टूडेंट है गाइज, तो देखो उनके लिए मैंने आपको बता देने वाला हूँ। उनके लिए देखो, आज जैसे कि हमारा क्या है, 17 तारीख है, क्या है आज, क्या है हमारा 17 तारीख है, बिल्कुल हमारा जो है आज 17 अक्टूबर है, और कल हमारा लास्ट डेट है, ठीक है। चलो मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस साफ साफ यहाँ पे, ऊपर वाला जो हमारा दिसंबर सेशन 2024 का है, नीचे वाला जून, ये 25 का है, जून 25 का है। जिनको भी गए, देखो दिसंबर सत्र 2024 में, दिसंबर सत्र 2024 जो अभी आने वाला है गाइस, दिसंबर ये जो आने वाला है आपका 1-2 महीने में, ठीक है, तो ये आपका 18 तक, कल तक इसका एडमिशन चल रहा है, ठीक है, आपका 18 तक जो है हो रहा है, लास्ट 18 गाइस, कल आखिरी मौका है। जिनको भी दिसंबर सत्र 2024 में एडमिशन नामांकन करवाना है वो करवा लें, और जो जून 25 में करवाना चाहते तो उनके लिए यहाँ पे 30 अक्टूबर लास्ट रखा गया है, ठीक है। तो दोनों सत्र में, जिस सत्र में आपको करवाना है, मेरे हिसाब से कल तक आप ये में करवाओ, ठीक है। जून 25 तो भाई बहुत टाइम है, जिनको करवाना है कल तक फटाफट से करवा लो, ठीक है गाइस, ऐसा मौका बाद में मिलेगा नहीं, ठीक है। और एक चीज़ बता देने वाला हूँ, आप इधर उधर जा कर के, अभी लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम होता है ना भाई, अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, यूज़र आईडी पासवर्ड ये वगैरह वो वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, दिक्कत होगा, आने में टाइम लग जाएगा। तो जिनको भी चाहते हो कि 100% हो जाए, तो इसके लिए आपको जो है 8229074021, 8229074021 पे आप मैसेज कर सकते हो और अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देना है, व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करना है, सर हमको एडमिशन करवाना है। और देखो भाई, आखिरी मौका, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, इसके बाद जो है दिसंबर सत्र 2024 का फिर दोबारा कभी आएगा नहीं, ठीक है ना, एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे, समझ गया ना बात, एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे, याद याद से भाई, नो अटेंशन, एकदम सावधान हो जाओ आप लोग, ओके गाइज, और जो भी बच गए हो आप करवा लो, नज़रअंदाज नहीं, इस बार डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है, देख लेना फिर बाद में मेरे को बताना, ठीक है। और जो जून 17 में करवाना चाहते हो, जिनका नहीं करवाने का मन है दिसंबर 24 में, जो जून 25 वाले भी कुछ स्टूडेंट होंगे तो आप करवा सकते हो, ये वाली बात है, सभी जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। आओ गाइज वापस से आ जाते हैं हम, देखो ये तो रही भाई एडमिशन का डेट, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मैंने सोचा आखिरी डेट है, जो नहीं करवा पाए तो शायद तो उनको जानकारी ना हो, वीडियो बना दिया तो सब तक चली जाएगी, शेयर ज़रूर कर दे सभी स्टूडेंट, जानकारी के अभाव में किसी का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाली बात है। चलिए गाइज आगे बात कर रहने वाला हूँ, दिसंबर का जो है भाई एग्ज़ाम फॉर्म कब भराएगा, तो एग्ज़ाम फॉर्म तुम्हारे जो है नवंबर तक भरा लिए जाएंगे, दिसंबर नवंबर में एग्ज़ाम फॉर्म, दिसंबर में एडमिट कार्ड, और दिसंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो, मेरे मेरे कहने का मतलब है, आपका जो है
छठ के लमसम जो है आपके एग्जाम फॉर्म जो है भराने स्टार्ट हो जाएंगे, समझ गए। नवंबर पूरा रखो, याद रखो नवंबर में आप तैयार रखो कि आपके एग्जाम फॉर्म जो है दिसंबर 24 के जो है एग्जाम फॉर्म भराए जाएंगे। अब जो है बिजी शेड्यूल रहेगा, फटाफट अब आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा आपका, फटाक से अभी एडमिशन ख़त्म हो गया कल, उसके बाद आपका जो है नवंबर में आपका पूरा एग्ज़ाम फॉर्म भराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा दिसंबर में फर्स्ट वीक में, फिर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट, समझ गए। दिसंबर 17-24 का ये हाल है। जून 25 का भाई एग्ज़ाम जो है इस बार जुलाई में होगा, ठीक है ना, जुलाई 25 में होगा, ठीक है, जुलाई 25 में एग्ज़ाम हो जाएगा, समझ गए ना। ये वाली बातें हैं, आप उनका भी जो करवाना चाहते हो करवा लो, शायद डेट जून 25 का एक्सटेंड ना हो, आप जब तक डेट है अपना करवाओ, ठीक है। अभी तो सेशन लेट चल रहा था इसीलिए थोड़ा सा डेट एक्सटेंड किया गया, ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है। तो चलिए गाइज, मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी, ओके गाइज, मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को अब कोई प्रॉब्लम होगी, समझ गए। तो दिसंबर 24 का क्लियर कर दिया मैंने। अब आ जाओ गाइज, अब आ जाते हैं पिछले वाले जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जून 24 का मैंने बोला है कि भाई आपका रिज़ल्ट का तैयारी चल रहा है, रिज़ल्ट कब आएंगे। तो देखो जून 24 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी गाइज, करेंट आपका तीन अक्टूबर तक शायद एग्ज़ाम जो है चले थे, ठीक है। तो अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए हैं, तो रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखो जैसे कि न्यू पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने लिया है, तो एग्ज़ाम तो भाई करवा लिया गया, ऑब्जेक्टिव 50% पूछे गए थे और 50% सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जब भी होता है तो रिज़ल्ट जल्दी आता है। तो देखो भाई स्टूडेंट सब भी बहुत कम थे, स्टूडेंट सब की जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे वो बहुत ही कम थे जून 24 में जो भी सत्र के जो स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे देखो भाई रिज़ल्ट की मैं बात कर लेने वाला हूँ, रिज़ल्ट आपके जो है एक महीना के अंदर जो है बोला गया है देने के लिए। तो अभी आपका जो है अक्टूबर लास्ट तक आ जाना चाहिए था, रिज़ल्ट लास्ट तक आ जाना चाहिए था, बट देखो यार मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए था क्योंकि इनको एडमिशन भी लेना है, रिज़ल्ट फटाक से देना चाहिए था, ठीक है। तो बात है गाइस, देखो बिहार बोर्ड ले रहा है तो वो रिज़ल्ट हमेशा से जल्दी दे रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़, अगर आप पॉइंट वो बेसिक पे बातें करें, बेसिक पे बताएं कि जो टाइम एंड रेगुलेशन होता है, हर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी चीज़ का, एक टाइम पीरियड होता है। तो देखो अभी आपका दीपावली आ रहा है, ठीक है, दीपावली आ रहा है, दिवाली हमारा जो है आ रहा है, उसके बाद आपका जो है छठ आएगा, जो कि महापर्व होता है हमारा बिहार का जो है, छठ जो है बहुत बड़ा पर्व होता है, तो इसमें भाई छुट्टी होती है, समझ गया ना, कोई भी है दीपावली और छठ में छुट्टी होती है। तो मैं आपको एकदम सही बताऊं, देखो यार मेरे चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन आती है 100% करेक्ट आती है। तो रिज़ल्ट देखो जो है भाई आपके अक्टूबर के लास्ट में भी दिए जा सकते हैं, दीपावली से पहले रख लो या फिर छठ के बाद, तो ठीक है। ये हमारा 6 दिन का आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। नवंबर में जो है आपका जो है 10 तक जो भी है, दीपावली 1 को है तो 6-10 तक ऐसे देखने को मिलेंगे रिज़ल्ट, ठीक है। या फिर मेरा तो देखो यार अभी ये लोग इतना वो है नहीं कि स्टूडेंट के बारे में सोचे, आपका रिज़ल्ट जो है समय से पहले दे दे, ठीक है, हमेशा डिले होता है, तो समझोगी लास्टली आपका जो है नवंबर 10 तक जो आपके रिज़ल्ट आएंगे, 10 नवंबर तक आएंगे, अगर जल्दी दे दे भाई, हो सकता है वो अभी सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ के आपका बिहार बोर्ड दे दे तो हो सकता है आपका जो दीपावली से पहले भी आ सकता है। तो देखो जैसा भी है, तो मैंने आपको बता दिया फाइनली 10 तक रिजल्ट आएंगे, 10 नवंबर तक, ठीक है गाइस। हमारे चैनल पे बने रहो, इस तरह की वीडियोज के लिए, अगर 30 तारीख से पहले जो है आपका जो है दीपावली से अगर पहले आता है तो फिर भी हम आपको बताएंगे कि आने के कितने परसेंट चांसेस है, वैसे आप नवंबर 10 तक रहो, ठीक है गाइस, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहो, जब भी रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई बात आएगी, और दिसंबर 24 के जो भी स्टूडेंट हैं अपने एग्ज़ाम की रेगुलर तैयारी करते रहो, हमारे चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस आपको मिलेगी, ठीक है गाइस, आप जो है तैयारी करते रहें, ओके गाइस। देखो एक बात तो एकदम पक्का है कि आपका जो है जो एग्ज़ाम फॉर्म भराए जाएंगे दिसंबर 24 के, ये इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि
रिजल्ट पहले आएगा तभी तो जो फेल करेंगे वो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे ना, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो रिजल्ट जो है पहले आएगा, एग्ज़ाम फॉर्म जो इनके जो मैंने बता दिया छठ के बाद इनके भराए जा रहे हैं दिसंबर 24 वाले के, तो जून 24 के रिजल्ट यहाँ पे आपको उससे पहले आएंगे, समझ रहे हो ना। तो समझ गए गाइस, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। थोड़ा सा और मैं बता देने वाला हूँ जो TOC वाले फेल वाले क्या है, मतलब है। तो जैसे कि गाइस ये हमारा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बात कर लेने वाला हूँ। अभी ये जो भी स्टूडेंट, ये देखो ये सब स्टूडेंट है जून 23 दिसंबर 23 के हैं। तो जिनके भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम है, TOC वाले फेल वाले हैं, और यहाँ पे देखो जैसे ये फेल वाला स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, अभी जो आपका दिसंबर 24 का जो क्या है कि एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, जो भी नवंबर में भराया जाएगा, तो आप ज़रूर जो है सभी देखो यहाँ पे जो है कंपार्ट का जो है, फेल का जो है, पेंडिंग का जो है, TOC का जो है, एबसेंट का, अलग से कहीं से कोई फॉर्म नहीं आता है, एक ही साथ जो है आपका जो है रेगुलर जो भी है आपका जो रेगुलर के साथ फ्रेशर के साथ जो भराया जाता है, सब एक ही में सेक्शन में जो फॉर्म भराए जाते हैं। तो याद रखना, तैयार रहना, बाद में मेरे को मत बोलना कि सर हमारा तो आया नहीं 24 का फॉर्म भराया गया, तो सबका एक ही साथ भराया जाता है, समझ गए ना। तो ऐसा गलती ना करें, जानकारी दे देना चाहूँगा जो नए स्टूडेंट हो। अदर बोर्ड का और कुछ होता है अलग से, उनका कंपार्ट का निकलता है, कंपार्टमेंटल देखते हो बिहार बोर्ड में, अलग अलग चीज़ें होती रहती है, लेकिन यहाँ सारे फॉर्म एक साथ भराए जाते हैं। तो TOC फेल पेंडिंग वाले को मैंने समझा दिया, अभी नवंबर में जो है दिसंबर 24 के फॉर्म भराए जाएंगे, आप भर लेना। अब बाकी जून 24 वाले स्टूडेंट बहुत समझदार हैं, देखो रिजल्ट यहाँ पे जो है अच्छे भी आए, बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी किए हैं। तो आप जो फेल करेंगे कंपार्ट आएगा, उन स्टूडेंट को मैं बता देने वाला हूँ, आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, तो आपको जो है दिसंबर 24 में फटाक से फॉर्म भर लेना है। ऐसे देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे स्टूडेंट पास ही कर जाएंगे, फेल भी करेंगे, तो आप अपना तैयार रहना, मैंने आपको बता दिया, तो आपको मौका मिल जाएगा अभी फटाक से रिजल्ट में। अगर कोई प्रॉब्लम है, लोचा वोचा आ गया, तो करंट में दो महीने में एग्ज़ाम दो, फिर तुम्हारा जो है रिजल्ट सही आ जाएगा, ये वाली बात है। ओके गाइज, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी गाइज, हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट ख़राब हो, कोई भी फेल करे, सभी स्टूडेंट पास करे, ठीक है। तो चलिए गाइज, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी देखो यार, लास्ट में मैं एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा, रिवाइन कर देना चाहूँगा, जो हमारे दिसंबर 24 के स्टूडेंट हो भाई, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, उनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म एडमिशन का डेट यहाँ पे कल क्लोज हो जाएगा, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया दिसंबर 24-17 में, तो कल तक 18 तारीख तक मौका है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो 18-10-2024 तक, दिसंबर 17-2024 का जो है एडमिशन का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 18 तारीख तक कल आपका जो है लास्ट डेट है, आप ज़रूर से ज़रूर करवाएं। जिनको भी कोई दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हो, तो 8229074021 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आपको हाई हेलो नहीं करना, टाइम बहुत कम है, जिनको करवाना है वही जा करके, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई इधर उधर भटक रहे हो, तो जाकर के वहाँ पे मैसेज करो, तुम्हारा जो है डॉक्यूमेंट्स भेजो, आधार कार्ड, फोटो, साइन, जीमेल, मोबाइल नंबर तुम्हारा कर दिया जाएगा, आखिरी डेट है, उसके बाद जो है मौका मिलेगा नहीं। और सभी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम, जिन्होंने एडमिशन करवा लिया, उनका अप्रूव्ड भी हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, पेशेंस बना के रखें, आपका जल्द जो है सारा कुछ एग्ज़ाम का शेड्यूल वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। चलिएगा, इस वीडियो को एंड करेंगे, सब सारा अपडेट दे दिया। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, और जून 24 का रिजल्ट भी आ रहा है, आपको मैंने बता दिया, वीडियो को आप पूरा देखा करें, सारी तरह की जानकारी मैंने दे दी, ठीक है। अब देखो यार, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनका जून 23 दिसंबर 23 का आ गया है, एक अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा, एक ही वीडियोज़ में क्या मैं बताऊँ, ठीक है। वैसे तो आ गया है, एक दिखाऊँगा मैं वीडियोज़ बना के, ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें, बाकी मैंने सारा कवर कर लिया एक वीडियोज़ में। उम्मीद करेंगे सभी स्टूडेंट के लिए वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, और देखो कोई आपको डाउट है, कमेंट्स है, तो वीडियो कमेंट्स में जाएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर वो हो ही जाएंगे, जिनको एडमिशन पर करवाना है, क्वेश्चन पेपर लेना है, वहाँ पे आपका जो PDF लेना है, गेस पेपर वगैरह लेना है, जो को देखो जो दिसंबर 24 के हो, तो जिनको गेस पेपर चाहिए, 10th वाले स्टूडेंट, 12th वाले स्टूडेंट, तो 10th और 12th दोनों के जो है आपके गेस पेपर अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, उसके बाद जो है आपके 10th क्लास के मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे जो हैं अवेलेबल हैं।
दोनों मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ट्वेल्थ क्लास के भी अवेलेबल है साइंस के। तो अपना जो भी है जाओ, आपके ओरिजिनल मार्केट में वही 2000 में आपको मिलेगा गेस्ट पेपर, वही आपको जो है जो 299 में मिल जा रहा है आराम से, ठीक है, और 159 में आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, ठीक है। 299 में गेस्ट पेपर वगैरह के साथ क्वेश्चन पेपर सारे कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलेगा, मैंने बता दिया, आप इससे तैयारी कर पाएंगे। बाकी हमारे चैनल पर पढ़ाई भी करो, बहुत तरह की वीडियोज़ अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करो, पैटर्न सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें। चलिए वीडियो को एंड करेंगे, थैंक यू सो मच।